चलिए दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ सफलता की कुंजी का अगला नियम, निरंतर परिश्रम। एक व्यक्ति को लगभग सभी ज्योतिषों ने और हस्तरेखा विशेषज्ञों ने कह दिया कि वह धन कुबेर नहीं हो सकता, पर अपने जीवन के 70वें साल में जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो अरबपति था। एक और व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वह पहले घूम घूम कर गा गा कर लोकगीतों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं बेचा करता था, पर आज वह लखपति प्रकाशक है। उस व्यक्ति ने बताया कि वह बराबर परिश्रम करता गया, उसने हर काम होशियारी से किया, इसका फल उसने पाया। वह भाग्यवादी बिल्कुल न था। इसी प्रकार जोनाथन नामक एक व्यक्ति निहायत मेला कुचेला वेश बनाकर एक ज्योतिषी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास गया। उसने अपनी शक्ल रोनी बना रखी थी। उसने अपना भाग्य पूछा, जवाब मिला, इस समय उसका जीवन कष्टमय है, 5 साल तक यही रहेगा, तब जाकर तनिक उन्नति होगी। वो चुपचाप लौट आए। अगर हस्तरेखा और भविष्य ज्ञान सही विज्ञान है तो वो वेश के पहनावे से नहीं, हाथ से ही सब पता लग जाता है कि वह करोड़पति है। भाग्य हस्तरेखाएं कुछ भी नहीं है, इनका जीवन पर कुछ प्रभाव नहीं होता है। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होती हैं। वैसे अब ये प्रमाणित हो गया है कि कर्म से ही भाग्य बनता है, रेखाएं बनती हैं। अतएव हम अपने सपने व इच्छाएं अगर हम में सामर्थ्य है तो साकार कर सकते हैं, उनको पूरा करके दिखा सकते हैं। मनुष्य का हर सपना, हर इच्छा साकार होती है। मनुष्य ने कभी इच्छा की होगी कि वो सागर की लहरों पर चल सके, कभी सपना देखा होगा कि वह आकाश में उड़ान भर सके पक्षियों के समान। क्या आज उसकी यह इच्छा, यह सपना पूरा नहीं हो गया है? मनुष्य बराबर चांद की ओर देखता आ रहा है, अवश्य ही वहां जाने की इच्छा मन में आई होगी। आज वह इच्छा पूरी हो गई है। अतएव यह कहना कि इच्छाएं और सपने वास्तविकता नहीं बनते, पूरे नहीं होते, एकदम गलत बात है। यह पूरे होते हैं, पर क्यों और कैसे? बहुत से लोगों के सपने और इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती हैं? कुछ लोग जीवन में सफल होते हैं और कुछ लोग असफल हो जाया करते हैं, इसका रहस्य क्या है? प्रत्येक मनुष्य जीवन सफल बनाना चाहता है, इस सफलता की कुंजी का रहस्य क्या है, यह जानने की कोशिश मनुष्य प्रारंभ से ही करता आ रहा है। उसके लिए सपने, इच्छाएं किस प्रकार पूरी हों, इसका प्रयास प्रत्येक मनुष्य करता है। यह शीर्षक यही समाप्त होता है, निरंतर परिश्रम।